Hello everyone, again we start our topic, the same topic, motion and measurement of the distances. We just start our topic, motion and measurement of distances, okay? मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेज हम चैप्टर हमारा कर रहे थे, डेट इज द चैप्टर नंबर 10 इन आवर एनसीईआरटी बुक. ओके, इन दिस चैप्टर वी जस्ट डिस्कस अबाउट द मोशन एंड इट्स टाइप. हमने मोशन एंड इट्स टाइप के बारे में डिस्कस कर लिया था. अब हम हमारे सेकेंड टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं. सेकेंड पार्ट हमारा, डेट इज द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेज. ओके, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेज हम इनके बारे में स्टार्टिंग करेंगे. हाउ वी स्टार्ट द टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल टू स्टार्ट द टॉपिक आई नीड एन अनदर थिंग. हम एक अदर थिंग करना चाह रहे हैं जिसको हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं बेटा, हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट. यहाँ से जो स्टार्टिंग होती है इस टॉपिक की, वो हमारी कहाँ से स्टार्टिंग होती है, हिस्ट्री ऑफ द ट्रांसपोर्ट. ठीक है, हम हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं कि आपका जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किस तरह से हमारे पास अवेलेबल होता है. ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास वेरियस टाइप्स के क्या है बेटा, पीपल्स है जो आपके बहुत फेमस पीपल्स है, एज लाइक महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, इंदिरा गांधी. उनके पास्ट के बारे में हम क्या करते हैं, आप स्टडी करते हैं उन्होंने पास्ट में क्या किया, क्या क्या उन्होंने अच्छी चीज़ें की हैं. ठीक है, इसी तरह से जो ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट मीन्स क्या होता है बेटा, किसी भी मटेरियल को वन प्लेस से अनदर प्लेस पे शिफ्ट करना. ठीक है, वन प्लेस से अनदर प्लेस पे शिफ्ट करना, उनको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट कहते हैं. और हमें आज क्या करना है, इनकी हिस्ट्री के बारे में पता करना है कि इनकी हिस्ट्री किस तरह से स्टार्ट होती है. ओके, तो हिस्ट्री के लिए हम यहाँ पे क्या बात करते हैं, सबसे पहले अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता तो बेटा हम आपको बताएंगे कि आपकी जो पहले प्लेसेस को, आप कह सकते मटेरियल्स को वन प्लेस से अनदर प्लेस में ले जाने के लिए आपके पास कोई कार नहीं थी, ट्रेन नहीं थी, बाइसाइकिल नहीं थी, मोटरसाइकिल नहीं थी. वहाँ पे आपको क्या यूज़ करना पड़ रहा था बेटा, एनिमल्स का यूज़ करते थे. आप क्या यूज़ करते थे, एनिमल्स का. ठीक है, या पीपल्स क्या करते थे, अपने पैदल चलते थे वेट कैरी करके. ओके, तो एनिमल कार्ट क्या कहते हैं हम, सबसे पहले एनिमल कार्ट. किसी भी जो पशु होता है उसकी जो गाड़ी होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वी से डैट द हॉर्स कार्ट, वी ऑल्सो से डैट हियर द कैमल कार्ट. हॉर्स कार्ट मीन्स घोड़ा गाड़ी, कैमल कार्ट मीन बेटा हमारे पास क्या होता है, ऊंट गाड़ी. ठीक है, ये हमारे पास वेरियस टाइप्स के क्या होते हैं, कार्ट होते हैं. एनिमल आगे होता था, पीछे इनका कार्ट ट्रॉली होती थी, जिनको ये क्या करते थे बेटा, हमेशा पुल करते थे, खींचते रहते थे. ठीक है, बट फिर यहाँ पे फिर भी उनको वेट कैरी करना क्या होता था, बहुत हार्ड होता था, क्योंकि वो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस को पुश कर रहे थे. अभी हमारे पास एक न्यू थिंग की डिस्कवरी होती थी, व्हील. ठीक है, लोगों ने क्या डिस्कवरी किया, व्हील, कि टू टाइप्स के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक ऑब्जेक्ट हमारा इस शेप का है और एक ऑब्जेक्ट हमारा इस शेप का है. ठीक है, तो इस सर्कुलर शेप का, जो स्फेरिकल शेप का ऑब्जेक्ट होता है, उसको मूव कराना क्या होता है, ईजी होता है एज कम्पेयर टू रेक्टेंगुलर शेप. ठीक है, जिनका सरफेस नीचे से ज़्यादा बड़ा होता है, हम उनको मूव कराने में बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं एज कम्पेयर टू सर्कुलर ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो हमने यहाँ पे यूज़ किया बेटा एक टर्म जिसको हम क्या कह रहे हैं, व्हील. उन्होंने जो कार्ट थे हमारे, अपनी जो ट्रोली थी, उनके नीचे क्या लगा दिया बेटा, व्हील लगा दिए, जिससे एनिमल्स को मूव कराने में क्या थी, प्रॉब्लम नहीं आ रही थी. ठीक है, व्हील के इन्वेंशन के बाद 20th सेंचुरी में, ठीक है, 20th सेंचुरी में हमारे पास क्या आया, वहाँ पे वेरियस टाइप्स के इन्वेंशन आए, कार आ गई, बाइक आ गई, ठीक है, आपकी ट्रेन आ गई. इस तरह से हमारे पास नए नए क्या आ गए, गैजेट्स आ गए. वो हमारी क्या है, ट्रांसपोर्ट की हिस्ट्री, कि सबसे पहले हम पैदल चलते थे, अपने शोल्डर्स पे सामान लेते थे, एनिमल्स के ऊपर लेकर जाते थे, फिर हम कार्ट लेके आए, फिर उसके बाद हमने उनमें व्हील्स लगाए. व्हील्स लगाने के बाद धीरे धीरे इन्वेंशन होते हुए 20th सेंचुरी में हमारे पास अब जो डिवाइसेज हैं, अब हमारे पास जो गैजेट्स हैं, जो ऑटोमोबाइल्स है, वो सब हमें क्या हो गए बेटा, अवेलेबल हो गए. ओके, ये हमने किया. इसके बाद हम यहाँ पे कहते हैं हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के बाद, व्हाई वी नीड टू मेजरमेंट. बेटा हमें मेजरमेंट की नीड क्यों हुई,
ठीक है, अब हमारा मेन क्वेश्चन यहाँ पे आता है। व्हाट इज द नीड ऑफ मेजरमेंट? मेजरमेंट की हमारे पास ऐसे क्या नीड आ गई कि हमें उनके लिए मेजरमेंट करना पड़ा? तो मेजरमेंट के केस में मैं आपको बताना चाह रही हूँ बेटा कि जैसे हम आप कहते हैं कि मैम हमारा वेट इतना है, ठीक है, आपको पता है कि आपकी बॉडी में जो क्वांटिटी है वो हमारी वैल्यू क्या है उसकी। अगर आपको मार्केट से शुगर परचेज करनी थी, आप शॉपकीपर से कहते हैं कि सर प्लीज़ हमें 1 kg शुगर दे दीजिए, ठीक है, तो वो आपको बहुत थोड़े देते हैं, बहुत ज़्यादा देते हैं, ठीक है। तो मेजरमेंट की तो नीड आई ना, हमें ये नहीं पता चल रहा कि 1 kg कितनी होती है, तो मेजरमेंट की वजह से हमें क्या पता चल गया 1 kg इतनी होती है। आप इंडिया में कहीं पे भी वो परचेज कीजिएगा, आपकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी बेटा, सेम रहेगी, ठीक है। जो 1 kg शुगर होती है वो हमारी रेवाड़ी में भी सेम है और दिल्ली में भी हमारी क्या होगी, सेम होगी। आपको दिल्ली जाना है, आपको ये नहीं पता आपके और दिल्ली के बीच में डिस्टेंस कितना है, ठीक है, कितने किलोमीटर्स है, क्योंकि वहाँ पे कोई टर्म ही नहीं थे जो डिस्टेंस को बता पाती है। तो इसीलिए हमें क्या हुई बेटा, मेजरमेंट की नीड हुई। ओके, हमें क्या करने है, अपने क्लोथ स्टिच कराने हैं। विदाउट मेजरमेंट हम क्लोथ्स कैसे स्टिच कराएंगे, नहीं करा सकते। तो इसीलिए हमें हर टर्म में क्या होती है, मेजरमेंट की नीड होती है। विदाउट मेजरमेंट हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम किस तरह से क्या काम करते हैं। फिर एंशियंट टाइम से क्या हुआ, लोगों को मेजरमेंट की नीड हुई, ठीक है, तो वो क्या यूज करने लगे, अपने माइंड की फिलोसफी के अकॉर्डिंग वो कुछ टर्म्स यूज करने लगे जो एंशियंट टाइम पे हम यूज करते थे, ठीक है। तो एंशियंट टाइम में हम जो यूज करते थे उनके लिए हम यहाँ पे क्या कहते हैं बेटा, जो टर्म्स आती थी हमारी, वो टर्म्स हमारी क्या आती थी, फर्स्ट टर्म हम यहाँ पे कहते हैं बेटा एंगुल। आई जस्ट राइट हेयर सम एंशियंट टर्म्स to measure ठीक है बेटा, पुराने टाइम पे जो हमारी टर्म्स होती थी, जो क्वांटिटीज को मेजर करने में हम यूज करते थे, उनमें फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या बताता है बेटा आपको, ठीक है, फर्स्ट टर्म हम यहाँ पे लेके आते हैं एंशियंट टर्म्स की, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास आती है बेटा एंगुल, ठीक है। आपने काफी बार अपने दादी माँ दादाजी से सुना होगा कि 1 angle, ठीक है, आपको 1 angle हमारे गांव में, आज हमारे विलेज में आज 1 angle रेनफॉल हुआ है, बारिश हुई है, ठीक है। तो एंगुल का मीनिंग क्या होता है बेटा हमारे पास, कि जो हमारी ये 4 fingers होती है, हमारे पास क्या होती है हमारी 4 fingers, इनकी जो विड्थ होती है, चौड़ाई होती है, उनको हम क्या कहते हैं, एंगुल कहते हैं, ठीक है, हम उनको क्या कहते हैं, एंगुल कहते हैं। सो आई जस्ट राइट हेयर एंगुल का मीनिंग हमारे पास क्या होता है, द विड्थ ऑफ द फिंगर्स ऑफ आवर हैंड इज नोन एज द 1 angle, उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, 1 angle कहते हैं। आई जस्ट राइट हेयर द विड्थ ऑफ फिंगर्स ऑफ आवर हैंड इज कॉल्ड 1 angle, ठीक है। आपकी जो फिंगर्स की विड्थ होती है, ठीक है, इन फिंगर्स की जो विड्थ होती है, पहले ना स्टिचिंग में भी यूज करते थे कि 1 angle 2 angle 3 angle, ठीक है, आपका जो सूट है वो आपका 3 angle होगा, 10 angles होगा, तो इस तरह से वो अपने एंगल्स का यूज करते थे। ओके बेटा, तो एंगुल हमारे पास हो गया कि जो हमारी फिंगर्स होती है उनकी जो विड्थ होती है उनको आप क्या कहते हो, एंगुल कहते हो। सेकेंड टर्म हमारे पास यहाँ पे आती है हैंड स्पेन, ठीक है, हैंड स्पेन हमारे पास क्या होता है, हैंड स्पेन में हम यहाँ पे क्या एक्सप्लेन करते हैं बेटा, कि जिस तरह से हमारे पास ये हमारी लिटिल फिंगर होती है, ये हमारे पास क्या होती है बेटा, हमारी लिटिल फिंगर होती है, और ये हमारे पास क्या होता है, हमारा थंब होता है। लिटिल फिंगर के टिप और थंब के टिप के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इट मीन्स हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये डिस्टेंस है, ठीक है, इस डिस्टेंस को आप क्या कहते हो बेटा, 1 hand span, क्या कहते हो आप इसको, 1 hand span कहते हो। तो इसके लिए आप यहाँ पर डेफिनेशन राइट करते हो, इट इज द
डिस्टेंस बिटवीन टी पॉप लिटिल फिंगर एंड थम is known as handspan. उनको आप क्या कहते हो बेटा? handspan कहते हो. आपके little finger और आपके thumb के बीच का जो distance होता है, आप इस तरह से काफी बार measure भी करते हो. 1, 2, 3. आप कहते हो मैम आपके board की जो length है वो क्या है? 4 handspan है. तो इट मीन्स आपके पास किस तरह से आपने कहा कि आपने measure किया कि ये हमारे पास 1 handspan, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है, इस तरह से आप 6 कहते हो कि मैम आपके बोर्ड की लेंथ क्या है? 6 हैंडस्पैन है. ठीक है, आपके लिटिल फिंगर और थंब के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको आप 1 हैंडस्पैन कहते हो. थर्ड हमारे पास जो टर्म आती है वो हमारे पास यहाँ पे क्या आती है बेटा? क्यूबिट. क्या आती है हमारे पास? क्यूबिट आती है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म क्यूबिट? क्यूबिट के बारे में मतलब क्या होता है? आपके पास यहाँ पे आपकी मिडल फिंगर है. ठीक है, टिप ऑफ द मिडल फिंगर, आपके मिडल फिंगर का टिप है. यहाँ पे आपके पास क्या है बेटा? एल्बो है. इनको हम क्या कहते हैं बेटा? हम यहाँ पे इसको एल्बो कहते हैं. ठीक है, एल्बो और आपके मिडल फिंगर के बीच का जो ये डिस्टेंस होता है, ठीक है, ये जो हमारा पूरा एल्बो और मिडल फिंगर के बीच का डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? क्यूबिट कहते हैं. क्या कहते हैं बेटा? यहाँ पे हम इनको क्यूबिट कहते हैं. सो आई जस्ट राइट हेयर. तो क्यूबिट के लिए हम यहाँ पे क्या बोलेंगे बेटा? क्यूबिट हमारा क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन The distance between tip of middle finger, the distance between tip of middle finger and elbow is known as 1 cubit. बेटा आप उसको क्या कहते हो? 1 cubit कहते हो. आपके एल्बो और आपके टिप ऑफ द फिंगर, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है हम उसे क्या कहते हैं बेटा? क्यूबिट कहते हैं. सिंपल टर्म है हमारे पास. ठीक है, क्यूबिट कहते हैं हम इनको, कि मिडल फिंगर के टिप और आपके एल्बो के बीच का जो डिस्टेंस होता है हम उनको क्यूबिट कहते हैं. सेकेंड टर्म हमारे पास यहाँ पे आती है, सॉरी थर्ड टर्म हो गई. फोर्थ टर्म की हम यहाँ पे बात करते हैं, तो हमारे पास फोर्थ टर्म क्या आती है? ठीक है, फोर्थ टर्म हमारे पास आती है बेटा फुट. जैसे हमारे पास फिट होते हैं हमारे पैर होते हैं. ठीक है, आप कहते हैं मैम हमारे 4 नंबर के शूज आते हैं, मैम हमारे 5 नंबर के, किसी के 8 नंबर के शूज आते हैं, तो वो हमारे बेटा क्या होते हैं? फुट होते हैं. आपके जो फिट होता है, आपका जो पैर होता है, उसकी जो लंबाई होती है, द लेंथ ऑफ योर फिट इज नोन एज ए 1 foot. उसको आप क्या कहते हो बेटा? 1 foot कहते हो. ठीक है, द लेंथ ऑफ फिट इज नोन एज 1 foot. उसको क्या कहते हो बेटा? आप 1 foot कहते हो आपके. ठीक है, जो आपके लेग की आपके सॉरी फिट की आपकी जो लेंथ होती है उसको आप क्या कहते हो यहाँ पे? 1 foot कहते हो. ठीक है, मुझे लगता है आपको यहाँ तक तो कोई इश्यू होना ही नहीं चाहिए बेटा. ठीक है, फिर भी कोई ऐसा पार्ट जो आपको समझ में नहीं आता प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में आप यहाँ पे क्या कीजिएगा बताइएगा. हमेशा याद रखिएगा कि जो फुट होता है उसको हम मेजर किस में करते हैं बेटा? एक सिस्टम आता है जिस सिस्टम को हम यहाँ पे क्या कहते हैं बेटा? FPS सिस्टम. ठीक है, हम क्या कहते हैं उसको? FPS सिस्टम. FPS सिस्टम का मतलब क्या होता है? फुट पाउंड सिस्टम. हमारा क्या होता है ये? फुट पाउंड सिस्टम होता है. ठीक है, और इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारे जो 1 foot की वैल्यू होती है, ठीक है, हमारे 1 foot की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1 foot इज इक्वल टू 0.3048 meter. ठीक है, 1 foot का मतलब क्या होता है? 0.3048 meters. ओके, तो ये हमारा फुट FPS सिस्टम हो गया जिसमें हम फुट के लिए बात कर रहे थे. ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया, कोई इश्यू आपको नहीं रहेगा.
नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं बेटा, आपने नोटिस किया हो तो मुझे नहीं लगता कि आपने किया है या नहीं किया, आप खुद बताएंगे। यस मैम वी नोटिस दैट। आपने नोटिस क्या किया कि मैम कह रही है कि आपकी जो फिंगर्स होती है उनके विड्थ का डिस्टेंस हमारा क्या होता है, एंगुल होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हैंड स्पैन में मैम कहती है कि लिटिल फिंगर और आपके थंब के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम वन हैंड स्पैन कहते हैं। क्यूबिट में कहते हैं हम कि मिडल फिंगर के टिप और आपके एल्बो के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे क्यूबिट कहते हैं। और फुट की लेग फिट के डिस्टेंस को हम फुट कहते हैं। बट बेटा पर्सन टू पर्सन ये डिस्टेंस हमारे क्या करते हैं, वेरी करते हैं, अलग अलग होते हैं। मेरे लिए वो अलग है, आपके केस में वो डिस्टेंस क्या होंगे, अलग होंगे। आपके हैंड्स का साइज अलग हो सकता है, ठीक है, आपके फिट का साइज अलग हो सकता है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे बताना चाह रही हूँ कि इन सबके क्या होते हैं बेटा, ये टर्म्स हमारे डिफरेंट डिफरेंट हो सकती हैं। यहाँ पे कोई भी एक फिक्स टर्म नहीं है, कोई भी एक हमारी पर्टिकुलर टर्म्स नहीं है, ठीक है, जो कंप्लीट में फॉलो होती है, ओके। तो इसीलिए आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले आप इन डेफिनेशंस को रीड कीजिए, ठीक है। सेकंड हमारे पास यहाँ पे क्या कहता है हमें, अब हमारा मेन स्टेप है यहाँ पे हमें जो करना है कि व्हाई वी नीड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ यूनिट्स, हमें यूनिट्स को स्टैंडर्ड करने की नीड क्यों पड़ी बेटा। तो यूनिट्स को स्टैंडर्ड क्यों करना पड़ा, ये सब क्या होते हैं, पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होते हैं। आपने मुझे बताया मैम हमारा घर ना 1000 हैंड स्पैन जितना बड़ा है, लेंथ है हमारे 1000 हैंड स्पैन जितनी, बट आपके अकॉर्डिंग तो वो 1000 बहुत थोड़ी हो गई, मैम के हैंड से क्या होगी बेटा, वो बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो वो इस तरह से वो क्वांटिटीज हमारी मैच नहीं कर रही हैं। तो इसीलिए हम एक कॉमन सिस्टम, एक स्टैंडर्ड सिस्टम की बात करते हैं जो हमारे कंप्लीट द इंडिया, हम कहीं पे भी जाते हैं हमारा वो क्या करता है बेटा, वैल्यूएबल होता है, वैरी नहीं करता है, सेम रहता है, ठीक है। तो उस सिस्टम के लिए हम यहाँ पे बात करेंगे। तो वो सिस्टम हमारे पास किस तरह से का सिस्टम था बेटा, जिसको हम कह रहे हैं नीड टू स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ यूनिट्स। आपको यूनिट्स के जो स्टैंडर्डाइजेशन होती है उसकी नीड क्यों पड़ी बेटा, वही हमने जो आपको बताया कि ये यूनिट्स वैरी करती है और हमें इनको क्या करना है, कंप्लीट द कंट्री, कंप्लीट द वर्ल्ड, हमें उनको एक सेम रखना है। अगर हमने 1 kg कहा है तो हम यहाँ रहते हैं या हम ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, 1 kg का मीनिंग हमारे पास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इस तरह से सिस्टम इंट्रोड्यूस हुए। तो यहाँ पे 2 टाइप के सिस्टम होते हैं, एक होता है बेटा कॉमन सिस्टम, एक होता है स्टैंडर्ड सिस्टम। तो आज की वीडियो में हम ओनली कॉमन सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे हमने बात की बेटा यहाँ पे कॉमन यूनिट्स की, तो कॉमन यूनिट्स का मीनिंग हमारे पास किस तरह से होता है, कॉमन यूनिट्स का मीनिंग है हमारे पास कि वो यूनिट्स जो हमारी क्या होती है, कॉमन होती है। याद रखिएगा इनको इंट्रोड्यूस किया गया बेटा 1719 में, ठीक है, एक हमारी फ्रेंच अकेडमी थी, उन्होंने इनको क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने एक सिस्टम बताया जिस सिस्टम का नाम हमारे पास क्या था, यहाँ पे मीट्रिक सिस्टम था, ठीक है। उन्होंने क्या कहा बेटा यहाँ पे कि 1790 में एक फ्रेंच अकेडमी आई, ठीक है, उन्होंने एक सिस्टम दिया जिस सिस्टम को हम यहाँ पे क्या कह रहे थे, मीट्रिक सिस्टम कह रहे थे, ओके, मीट्रिक सिस्टम। मीट्रिक सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे 2 सिस्टम्स मिलते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा सिस्टम आया था उस सिस्टम का नेम हमारे पास क्या था, यहाँ पे CGS सिस्टम। CGS सिस्टम का मीनिंग हमारे पास होता है, C मीन्स सेंटीमीटर, G मीन्स ग्राम और S मीन्स हमारे पास क्या होता है बेटा, सेकेंड सिस्टम। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो लेंथ होती है वो किस में मेजर की जाएगी, हमारी सेंटीमीटर में। जो हमारा क्या होता है मास होता है वो हमारा ग्राम में मेजर किया जाएगा और हमारा टाइम किस में मेजर किया जाएगा, सेकंड में मेजर किया जाएगा, ठीक है। इस सिस्टम को हम क्या कह रहे थे, CGS सिस्टम। इन्होंने कहा कि अगर आप कोई भी 1500 ग्राम, 500 ग्राम, ठीक है, 5 ग्राम आप कोई भी मटीरियल ले रहे हैं तो वो आपके इंडिया में हर स्टेट में हर जगह हर प्लेस पे आपकी क्या होगी, वैल्यू सेम होगी। 5 ग्राम यहाँ पे भी वही वैल्यू है, आपके किसी और जगह पे जाते हो वहाँ पे भी 5 ग्राम की वही वैल्यू होगी, वैल्यू आपकी चेंज नहीं होगी। सेकंड उन्होंने कहा
कि कुछ टाइम के बाद 1901 में उन्होंने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया बेटा, उस सिस्टम को हमने क्या कहा, MKS सिस्टम। ठीक है, उस सिस्टम को हमने क्या कहा बेटा, हमें MKS सिस्टम कहा। MKS सिस्टम का मीनिंग क्या होता है, M stands for the meter। अब यहाँ पे हमें जो लेंथ मेजर करनी होगी वो हम किस में मेजर करेंगे बेटा, मीटर में मेजर करेंगे। K means हमारे पास क्या होता है, हमें मास मेजर करने, और मास के लिए K यूज हम यहाँ पे किसके लिए यूज करते हैं, किलोग्राम के लिए। ठीक है, और S हमारा किसके लिए हो गया, सेकंड के लिए, सिस्टम। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग MKS सिस्टम हमारा 1901 में आया था। ठीक है, इन्होंने बताया कि एक और भी अच्छा सिस्टम होता है कि आप लेंथ किस में मेजर कीजिए, मीटर में मेजर कीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी लेंथ हो जाती है तो सेंटीमीटर में प्रॉब्लम्स होती है, तो आप किस में मेजर कीजिए, मीटर में मेजर कीजिए। मास अपना किस में मेजर कीजिए, किलोग्राम में मेजर कीजिए। टाइम हमारा किस में मेजर कीजिए, आप सेकंड में मेजर कीजिए। ठीक है, इस सिस्टम को हम कहते हैं यहाँ पे MKS सिस्टम। क्या कहते हैं हम यहाँ पे इनको, MKS सिस्टम। ठीक है, सिंपल था। इस सिस्टम को करने के बाद हमारे पास एक टर्म दी इन्होंने, उस टर्म को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स का मीनिंग क्या होता है बेटा, यूनिट्स हमारी होती है, जैसे मास के लिए हमने किलोग्राम यूज किया है, लेंथ के लिए हम मीटर यूज कर रहे हैं, टाइम के लिए हम सेकंड यूज कर रहे हैं। इन यूनिट्स को हम क्या कहते हैं बेटा, यूनिट्स कहते हैं। ठीक है, जिसके लिए हम मेजर करते हैं, मास को हम किस टर्म में मेजर कर रहे हैं, वो हमारी यूनिट हो गई। फंडामेंटल होता है बेसिक यूनिट, फंडामेंटल क्या होता है हमारा, बेसिक, और यूनिट का मीनिंग हो गया यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट की डेफिनेशन क्या आती है हमारे पास, दोज यूनिट्स विच आर नॉट डिपेंड ऑन, those units which are not depend on other quantities, या आप कह सकते हैं those quantities which are not depend on other quantities, they are known as फंडामेंटल यूनिट्स। उन यूनिट्स को हम क्या कहते हैं बेटा, फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे बात करते हैं आपके सामने, तो हमारे लिए मास के लिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया, किलोग्राम। ठीक है, मीटर, सेकंड, ये सब हमारे क्या होते हैं बेटा, फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। ओके, इन दिस वीडियो वी डिस्कस्ड ओनली दिस टॉपिक, हम इन्हीं टॉपिक को डिस्कस करेंगे बेटा। कॉमन सिस्टम हमने कहा सेकेंड, फिर उसके बाद हमने CGS सिस्टम बताया, MKS सिस्टम बताया, फंडामेंटल यूनिट्स बताया। ठीक है, यही हमारे आज की वीडियो के मेन टॉपिक थे। हमने स्टार्टिंग की थी हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, आफ्टर डैट आई जस्ट टेल यू अबाउट द नीड ऑफ मेजरमेंट, आफ्टर डैट द एंशियंट टाइम्स, एंशियंट यूनिट्स टू मेजर द लेंथ डिस्टेंस। आपने पुराने टाइम में, ट्रेडिशनल टाइम में आप जो यूज करते थे डिस्टेंस मेजर करने के लिए, वो हमने बताया। आफ्टर डैट हमने क्या बताया बेटा, आपको कॉमन सिस्टम बताए और फंडामेंटल यूनिट्स बताई। इन दिस वे वी जस्ट कंप्लीट द टॉपिक। नाउ इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड डैट बेटा, प्लीज रिपीट दिस वीडियो। ठीक है, आप इसको फिर से देखिएगा, क्वेश्चंस यहीं की यहीं आपके पास लर्न हो जाएंगे, आपको किसी भी तरह का कोई इशू नहीं रहेगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको किसी भी तरह से इशू रहता है, कोई भी कहीं टॉपिक में डाउट होता है, देन प्लीज ड्रॉप ए कमेंट ऑन द वीडियो। आपको वीडियो पे कमेंट कर देना है, समझ में आती है तो अंडरस्टूड, नहीं समझ में आता टॉपिक में डाउट है, देन मैम प्लीज एक्सप्लेन दैट टॉपिक। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।